अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर एक पोस्ट बनाना सीखेंगे जो मॉकअप में हो, ताकि आप लोग इसी तरह बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन बना सकें। आइए देखते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद हम न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लैंडस्केप साइज़ लेता हूँ। लैंडस्केप साइज़ लेने के बाद मैंने बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड में हम मॉकअप का इस्तेमाल करेंगे। मॉकअप के लिए ये मॉकअप मैंने चूज़ किया है, तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखना है। लिखने के लिए मैं शायरी लिखना चाहता हूँ। शायरी में मैं यहाँ पे परिंदे, ये एक शेर मैंने चूज़ किया है। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ और इसका वर्ड स्पेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ। उसके बाद मैंने पिंजी में से एक ट्री लेनी है। आप दरख्त भी सर्च कर सकते हैं। और ये मैंने ले लिया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। उसके बाद मैंने पिंजी में से दोबारा जाके बर्ड्स, तीनों को सेलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। लिखाई के साथ इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैंने ये जो लिखाई है, ये जो ग्रुप मैंने बनाया था, इसको मैंने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये फिट आ जाए। इसके बाद मैंने दोनों को ये रजिस्टर की हुई और रजिस्टर किया हुआ ग्रुप और जो नीचे बैकग्राउंड मैंने लगाया है, इसको सेलेक्ट किया और कट इन कर दिया। ये नीचे जो जो वाइट बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, तो ये उसका कलर है। अभी अगर आप इसको ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक हो सकता है, रेड करना चाहते हैं तो रेड हो सकता है, क्योंकि आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से बैकग्राउंड में जाएंगे। अगर आपने कलरफुल कोई चीज़ लगानी है तो आप कलरफुल बैकग्राउंड लगाएँ और उसी तरह कलरफुल आ जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस तरह ये कलर लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ये देखें, ठीक है, लिखाई के ऊपर बिल्कुल फिट आ गया। अभी मैंने इसको इसके नीचे रखना है। देखें, ये कलरफुल हो गया। अभी अगर आप कलर देख इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में आप कलर चेंज करते जाएं।
तो ये कलर चेंज होता रहेगा। अगर आप इसको एक कलर ही देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में दोबारा जाता हूँ, बैकग्राउंड में मैं मुकअप कलर में से कोई एक कलर चूज़ कर देता हूँ, ये कलर मैं लगाना चाहता हूँ, तो आप इसको इसके ऊपर रख दें और इसके नीचे लगा दें, ये उसी तरह हो जाएगा। ठीक है।